डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें, उसमें कितना खर्चा आएगा और डॉक्टर बनने में कितना समय लग जाता है। दोस्तों देखो, जैसे किसी भी बड़े डॉक्टर की फीस हाई फाई होती है, उसी तरह डॉक्टर बनने के लिए भी जो कोर्स होते हैं उनकी फीस भी हाई फाई होती है। जी हाँ, 5 लाख से 6 लाख तक का खर्चा तो डॉक्टरी के छोटे से छोटे कोर्स करने में लग जाता है। और जैसे कोई आंखों का डॉक्टर होता है, कोई दांतों का, कोई आयुर्वेदिक तो कोई होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, इस तरह से अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, उसी तरह से इनके लिए अलग अलग तरह के कोर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम आपको 8 से ज़्यादा ऐसे कोर्स बताएंगे जिन्हें करके आप डायरेक्ट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी कोर्सों को करने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है, और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों विषय होने बेहद ज़रूरी है, तभी आप इन कोर्सों को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला कोर्स है MBBS। MBBS के बारे में तो आपने पहले बहुत सुना होगा। यह कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसे करने में 8 लाख से 10 लाख रुपए तक का खर्चा तो आराम से आ जाता है। इसे करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन चुनना होता है। जैसे अगर आप MD चुनते हैं तो आप बच्चों के डॉक्टर, त्वचा रोग विशेषज्ञ, इस तरह के डॉक्टर बनते हैं। अगर आप MS लेते हैं तो आप सर्जरी विशेषज्ञ बनते हैं। MCH कोर्स लेते हैं तो आप प्लास्टिक सर्जरी टाइप के डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा कोर्स है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस कोर्स में दांतों, मसूड़ों और मुंह के अंदर जो दांतों में फैलने वाली बीमारियां होती है, उनके रोकथाम उपचार के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं। यह 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, और टोटल 6 लाख से 8 लाख तक का खर्चा इसमें आ जाता है। अगला कोर्स है BHMS। इस कोर्स को करने के बाद आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं। इस कोर्स में भी आपको अलग अलग तरह की बीमारियों और उन्हें होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। BHMS कोर्स बेस्ट है। यह भी 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी ज़रूरी है। इस कोर्स को करने में 7 लाख से 8 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है। BAMS इस कोर्स में आयुर्वेदिक उपचार, औषधि विज्ञान, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आयुर्वेदिक फील्ड में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो BAMS कोर्स करना आपके लिए सही रहेगा। यह भी 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। इस कोर्स को करने में 6 लाख से 8 लाख तक का खर्चा आ जाता है। BUMS यह कोर्स यूनानी चिकित्सा पर आधारित है, जिसमें किसी बीमारी को यूनानी उपचार के माध्यम से ठीक कराना सिखाया जाता है। यह भी 5.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप इसमें करनी पड़ती है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक यूनानी डॉक्टर बनते हैं, और इस कोर्स में 6 लाख से 8 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है, इतनी फीस इसमें पड़ जाती है। BNYS इस कोर्स को करने के बाद आप एक प्राकृतिक योगिक डॉक्टर बनते हैं। इस कोर्स में आप हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, मालिश, इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। यह भी 5.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप इसमें भी करनी पड़ती है। इस कोर्स को करने में 5 लाख से 8 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। BPT इस कोर्स में फिजियोथेरेपी के बारे में सिखाया जाता है। हड्डियों के दर्द, चोट, मांसपेशियों से संबंधित पुरानी बीमारियों को बिना दवाई के एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे ठीक किया जाता है, इस कोर्स में सिखाया जाता है। यह कोर्स 4 साल का होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप इसमें भी करनी पड़ती है, और इस कोर्स को करने में 5 लाख से 7 लाख रुपये तक का खर्चा आराम से आ जाता है। BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी इस कोर्स को करने के बाद आप एक थेरेपिस्ट बनते हैं। इसमें विकलांग, शारीरिक और मानसिक रूप से डिस्टर्ब मरीजों का थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है। यह कोर्स भी 4 साल का होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, और यह कोर्स 5 लाख से 7 लाख रुपए के लगभग तक पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कोर्सेज जिन्हें करने के बाद आपके पास एक डॉक्टर की डिग्री हो जाती है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, क्लिनिक में नौकरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इन सभी कोर्स से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।
और हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।